मिजोरम पीपल्स मूवमेंट को रुझानों में बहुमत, मिजो नेशनल फ्रंट 11 सीटों पर आगे। मध्य प्रदेश में वोटों की गिनती पूरी, बीजेपी ने जीती 163 सीटें, कांग्रेस 66 सीटों पर सिमटी। मायावती ने 4 राज्यों के नतीजों को बताया अचंभित करने वाला, बुलाई बीएसपी नेताओं की बैठक। मिशन लोकसभा चुनाव में जुटी मोदी सरकार, आज महाराष्ट्र जाएंगे पीएम मोदी, शिवाजी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू, भारतीय न्याय और नागरिक सुरक्षा संहिता समेत कई बिल होंगे पेश, संसद में हंगामे के आसार। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव ने आज बुलाई कैबिनेट की बैठक, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दोपहर 2 बजे होगी मीटिंग। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, आज लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट रखी जाएगी। उदयनिधि स्टालिन ने चुनावी नतीजों के बाद फिर दिया सनातन पर विवादित बयान, बोला नहीं मांगूंगा माफी। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ा प्रदूषण, खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। पहाड़ों पर बर्फ तो मैदानों में बारिश, से गिरा पारा, दक्षिण भारत में चक्रवात मिचौंग को लेकर रेड अलर्ट। सीरीज जीतने के बाद गदगद हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव, प्लेयर्स की तारीफ में खोल दिया दिल। हवाईयान एयरलाइंस खरीदेगी अलास्का एयरलाइंस, $1.9 अरब में होगा सौदा, लग सकता है काफी समय। दक्षिण चीन सागर में अवैध रूप से घुसा अमेरिका का लड़ाकू जहाज, चीनी सेना का दावा। हमास के खिलाफ जमीनी अभियान फिर से शुरू करेगा इजराइल, IDF ने कहा हमारी नीति स्पष्ट। रूस ने यूक्रेन के खेरसान पर किया हमला, आवासीय इमारत को बनाया निशाना, 2 की मौत। फिलीपींस में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार आया भूकंप, मिंडानाओ में 6.8 तीव्रता के लगे झटके। पिछले हफ्ते में 10 में से 9 कंपनियों का संयुक्त एमकैप 1.30 लाख करोड़ के हुआ पार, भारतीय एयरटेल के एक्मैक में सबसे अधिक वृद्धि। FPI ने नंबर में रोकी बिकवाली, अब खरीदे 9,000 करोड़ के शेयर। अप्रैल सितंबर के दौरान कायमंस, आइसलैंड और क्रिपस से घटा FDI, लोगों को नुकसान। यात्रियों के लिए बुरी खबर, आज से 3 मार्च तक ट्रेनें रहेंगी प्रभावित, यात्रियों को होगी काफी परेशानी।